हेलो दोस्तों, आज ये मेरे पास एक रियलमी का फ़ोन आया हुआ है, 5i, पता नहीं 5 Pro है। ये देखिए, इसमें रियलमी पे आके बंद होएगा ये फ़ोन। तो ऐसा आपके फ़ोन में दिक्कत हो, या बार बार फ़ोन बंद हो, कॉल लगाने पे बंद हो, या जैसे कि नेट चला रहे हैं आप तब बंद हो जाए। देखिए, फ़ोन बंद हो गया तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो मदरबोर्ड का ही कोई प्रॉब्लम हो। कई बार होता है हमारी बैटरी भी ख़राब होती है। तो ये मैंने बैटरी की वायर निकाली और ये बैटरी बाहर आ गई, और ये मेरी दूसरी बैटरी है इसकी, रियलमी। ये वर्नी की बैटरी है। तो मैं अब दूसरी बैटरी आपको डाल के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें बैटरी की ही दिक्कत है। कई बार लोग सोचते हैं कि मेरे मदरबोर्ड में कुछ हो गया हो या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कई बार होता है कि हमारी बैटरी फूलती भी नहीं है, लेकिन जब भी वो ख़राब हो जाती है। तो हमारा फ़ोन यही बंद होगा, रीस्टार्ट होगा, या कॉल लगाएंगे, नेट चलाएंगे तो बंद होगा। MI और रियलमी में ज़्यादातर ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब ये बैटरी मैंने दूसरी चेंज कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोन पूरा ऑन होएगा और चलेगा भी, और ये बैटरी अभी भी चार्ज है। ये पुरानी वाली है, चार्ज है। कहीं ये ना सोचना कि ऐसे ही बनाई है वीडियो। तो ये बैटरी फ़िलहाल अभी पूरी चार्ज है। तो ये मैंने बैटरी चेंज कर दी, अब ये पूरा फ़ोन ऑन भी होगा और चलेगा भी। आचरण ये देखिए दोस्तों, फ़ोन ऑन हो गया और ये चल भी रहा है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। अब कुछ नहीं करना है आप लोगों ने। इसका पहले बैटरी की वायर निकाली, फिंगरप्रिंट लगाओ इसमें, बैटरी की वायर दोबारा लगा दी। थोड़ा सा साफ सुफ कर देना चाहिए जब फ़ोन खोलते हैं तो। स्पीकर हो गया जैसे कि, ये बहुत जल्दी ख़राब होता है। और कैमरे पे कपड़ा मार देना चाहिए ताकि थोड़ा गंद मंद साफ हो जाए। फ्रंट वाला तो साफ ही है, लेकिन चलो। ये मैंने पैक कर दिया इसको, इसकी सिम ट्रे। इसके नट है, उसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। बस बैक ढक्कन खोला और बैटरी निकाली और चेंज कर दी। ऐसी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर संपर्क करें हमारे पास। ज़्यादा खर्चे की कोई टेंशन नहीं है। और दोस्तों, नट को अलग अलग ना लगाएं, क्योंकि इस फ़ोन में ना नट अलग अलग लगे हुए, छोटे बड़े होते हैं, जिससे हमारी डिस्प्ले को भी नुकसान हो सकता है जो ज़्यादा बड़ा नट लगेगा तो। जैसे कि ये दोनों नट बड़े हैं काफ़ी, तो छोड़ो इनको, जो बाकी नट लगे वही बहुत हैं। तो बस हमने पीछे ग्लू लगानी है और पेस्ट कर देना है फ़ोन को। दोस्तों, ये हो गया मेरा फोन पैक। कुछ है
ठीक है दोस्तों, ये फोन हो गया पैक। ये रबड़ इसलिए लगाइए कि बैक पैनल बढ़िया से पेस्ट हो जाए, और 2 घंटे बाद इसको निकाल दें। धन्यवाद।